बिहार के रोहतास जिले में ब्रिटिश काल में बनी धूपघड़ी को देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। डेहरी ऑन सोन में लगभग 150 साल पुरानी इस धूपघड़ी का इस्तेमाल वक्त जानने के लिए लोग अब भी करते हैं। धूप घड़ी डेहरी ऑन सोन में मैकेनिकल सिंचाई विभाग के मैकेनिकल डिपार्टमेंट द्वारा अंग्रेज के टाइम में लगाया गया था और इस तरह की घड़ी पूरे इंडिया में जहां तक मेरी जानकारी 3 और हैं। इसका पर्पस ये है कि यहां सोन नदी से केनाल जो निकाले गए थे उसमें जो स्विस गेट लगते हैं उसके लिए जो वर्कर यहाँ काम करते थे एम्प्लाई उनकी ड्यूटी छुट्टी और शिफ्ट के लिए ये बजाई जाती थी, घंटी बजती थी और उससे वो लोग बाहर होते थे। 1871 में बनी इस धूपघड़ी पर रोमन और हिंदी में अंक लिखे हुए हैं। इस पर सूर्य की रोशनी से वक्त देखा जाता है। ये घड़ी को देखने के लिए टूरिस्ट भी आते हैं, जो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया के टूर पे हैं उन लोगों आते हैं, स्कूली बच्चे आते हैं और कुछ रिसर्चर टाइप के भी लोग आते हैं। लोगों की मांग है कि सरकार इस धूप घड़ी को संरक्षित करे और जरूरी कदम उठाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानी इसे देखने पहुंचे, वरना ये धरोहर बर्बाद हो जाएगी। बिहार के रोहतास जिले में ब्रिटिश काल में बनी धूप घड़ी को देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। डेहरी ऑन सोन में लगभग 150 साल पुरानी इस धूप घड़ी का इस्तेमाल वक्त जानने के लिए लोग अब भी करते हैं। धूप घड़ी डेहरी ऑन सोन में मैकेनिकल सिंचाई विभाग के मैकेनिकल डिपार्टमेंट द्वारा अंग्रेज के टाइम में लगाया गया था और इस तरह की घड़ी पूरे इंडिया में जहां तक मेरी जानकारी 3 और हैं। इसका पर्पस ये है कि यहां सोन नदी से केनाल जो निकाले गए थे उसमें जो स्विस गेट लगते हैं उसके लिए जो वर्कर यहाँ काम करते थे एम्प्लाई उनकी ड्यूटी छुट्टी और शिफ्ट के लिए ये बजाई जाती थी, घंटी बजती थी और उससे वो लोग बाहर होते थे। 1871 में बनी इस धूपघड़ी पर रोमन और हिंदी में अंक लिखे हुए हैं। इस पर सूर्य की रोशनी से वक्त देखा जाता है। ये घड़ी को देखने के लिए टूरिस्ट भी आते हैं, जो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया के टूर पे हैं उन लोगों आते हैं, स्कूली बच्चे आते हैं और कुछ रिसर्चर टाइप के भी लोग आते हैं। लोगों की मांग है कि सरकार इस धूप घड़ी को संरक्षित करे और जरूरी कदम उठाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानी इसे देखने पहुंचे, वरना ये धरोहर बर्बाद हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।